जय श्री महाकाल दोस्तों। और बाबा की लास्ट आरती भी जो है वो फाइनल हो गई है, सारी लाइटें वगैरह जो बंद हो गई है। और भैया अभी रात को हम जो है एक हाई मास पोल जो है 20 मीटर की हाइट है उसको हम खड़ा करेंगे। तो सामने हमारे फ्लोर के पीछे एक पाइप दिख रहा होगा आपका लंबा सा, और जस्ट उसके पीछे आपको एक क्रेन मशीन दिख रही होगी, तो बस वो आ गई है। और अब हम कैसे उसका इंस्टॉलेशन करते हैं वो सब आपको दिखाऊंगा मैं इसमें, ठीक है? चलते हैं। महाकाल मंदिर के प्रांगण में ये नया प्रोजेक्ट, अपना शिखर दर्शन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट पर लाइटिंग के लिए एक बढ़िया सा 20 मीटर का पोल अपने पास आ गया है। और इसको जो है अपन को यहाँ पर लगाना है पास में, उस सामने एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा एक ठिया मैंने बना रखा है सामने ये यहाँ पर, जिसके की कास्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कर दी है, पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जब यहाँ से 20 मीटर ऊपर हाइट पे जब लगेगा तो भाई साहब ये जो चौराया है ना, ये चौराया पूरा का पूरा इतना चकाचक चगमगा जाएगा कि लाइटें। तो ये इंस्टॉलिंग अपन कर रहे हैं 20 मीटर के पोल की, देखते हैं कैसे क्या रहेगा सीन। ये अपनी टीम है पोल खड़े करने वाली, और इनके जो गुरु जी हैं गोवर्धन सेठ साहब, अपन आपको मिलाएंगे। तो ओ पब्लिक, ये आदमी है गोवर्धन सेठ, और ये लगाएंगे इस पोल को। थोड़ी देर बाद अपनी क्रेन भी आ जाएगी, उसके बाद इसको अपन टांग देंगे हवा में। अभी इस पोल में हो रही है वायरिंग, एक टोचन वायर दिया हुआ है साथ में, और टोचन वायर के जरिए जो है इसमें अंदर ही अंदर एक केबल खींच रहे हैं, जिससे कि सारी की सारी लाइटें ऊपर 20 मीटर की हाइट पे स्टार्ट हो जाए, चालू हो जाएगी टोचन वायर। इस तरह से पोल के सबसे ऊपर की चिड़िया बिठा दी है इन्होंने, और इसको फिक्स करके, और फिर हाइड्रा कितनी देर में आ रहा है ये बताओ पहले तो। 12 बजे रात को 12 बजे हाइड्रा बुलाएंगे, पूरी रात खाली करवाएंगे आज मेरी ये। चलो ठीक है। दर्शक की बात करें तो भैया एक से बढ़ के एक दर्शक आ ही जाते हैं अपने साइड में। ये सब लोग अभी पाइप का जो है, पाइप जो है 20 मीटर का पाइप है, तो 10-10 मीटर के दो फेस में अपने पास पाइप आया है, एक इसका बॉटम फेस है और एक इसका टॉप फेस। तो भैया अभी इसको जॉइंट कर रहे हैं, और पब्लिक लगी हुई है मज़े में। और दूसरी पब्लिक की बात करें तो भैया लगे हुए हैं, देखो श्रद्धालु जो है, मतलब 11:30 बजे के आसपास अपन को जो है रोड खाली मिलेगा, उसके बाद फिर काका आएगी अपनी हाइड्रा। पोल जो है कंप्लीट कर दिया है इन्होंने, मतलब टॉप लगानी जो थी, टॉप जो लाइट की टॉप होती है इसके ऊपर लाइट का पूरा पैनल कसाएगा, जो थी जो सामने जो पड़ी हुई है, ये जो आधे आधे चांद दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों इस प्रकार से लग के और बढ़िया से इसके ऊपर कसा जाएंगे। और देखो कितनी देर, 11:30 बजे का टाइम दिया है ना तुमने वो उसको, किसको? क्रेन वाले को 12 बजे आएगा ना वो, तो 12 बजे क्रेन आ जाएगी, ये सारी लाइटें बंद करके उसके बाद फिर अपन इसको चालू कर देंगे, है ना? ठीक है। जय श्री महाकाल। अच्छा भैया, अगर बाय चांस अगर कोई इलेक्ट्रिकल आदमी जो पोल वगैरह खड़े करने का काम करता हो, लाइट फिटिंग के काम करवाता हो, डीपी उतारना हो 11 वाल्ट 15 वाल्ट, मतलब 11,000 15,000 कहीं से भी अगर काम करवाना हो, तो ये हमारे गोवर्धन भाई साहब हैं। और ये भाई इलेक्ट्रिशियन महादेव आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये बंदा जो है मैंने देखा भैया नंगे तार पकड़ के काम करता है। 220 वाल्ट तो कहीं बाबा जी नहीं समझते हैं ये क्या, तो काम अच्छा करते हैं। उज्जैन में कम से कम 50 से 60 पोल इन्होंने ये वाले 30 मीटर 20 मीटर हाइट के जो हैं लगभग 50 पोल खड़े कर चुके हैं अभी तक, और बढ़िया आदमी है, काम अच्छा करते हैं। अगर आप लोगों को करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। गोवर्धन भाई नंबर स्क्रीन पे शो कर दिए मैंने, अगर चाहे तो आप ले लेना।
चलो भैया, क्रेन स्टार्ट हो गई है, हमारी ग्रेनाइट की गाड़ी भी आ गई है रात को, और सब बंधुओं लगे हुए हैं, सब पूरा पोल वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, कमर अमर सब बांध दिए केवल की। हाँ भाई गोर्धन सेठ, क्या गणित, कितनी देर लगेगी और बता जल्दी से। ठीक है भाई, है, 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 क्या बात है, चले फिर कमर बांध दो और के नाड़ो और टाइट कर लो। बहुत ही बेहतरीन कलाकारी के साथ सारा फाउंडेशन बोल्ट अपनी जगह पे स्थित। तो भाई फाइनली जो है हमारा हाई मास्क टंग चुका है और क्रेन से भी फ्री हो गए हैं भाई ने क्रेन बाहर निकाल लिया धीरे धीरे पट्टे वगैरह सब डाउन। आप गोर्धन सेठ ये लो, गोर्धन सेठ पेमेंट मतलब कहा है ना कि यार मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, वही हुआ। जय खुश, मजा आ गया, चलो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भैया, अगर कोई भी पोल वोल इस टाइप का कुछ कटुम्बा अगर खड़ा करवाना हो तो पैसे में ताकत है बाकी तो सब खड़े कर देंगे।